नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल कोल पोस्ट। हम मौजूद है आज प्रयागराज के महाउत्सव महाकुंभ के मेले में और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम नौका विहार में हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम नौका विहार कर रही है और साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ नवयुवक जुड़ चुके हैं। आइए इनसे एक चर्चा में, विशेष तौर पर एक चर्चा में शामिल होते हैं और इन सब का वेलकम करते हैं। पहले तो पोल कोल पोस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत है और सर्वप्रथम आप सब लोग मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को? एकदम बहुत ही अंदर से प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आकर, जो एकदम खुशनुमा माहौल है, चारों तरफ खूबसूरत सा नज़ारा है, एक पक्षी जो है और जो जल विहार है, एकदम नहा के मन प्रसन्न हुआ है। यहाँ पर जो देखने वाला है इस बार जो माहौल है वो एक स्वच्छता नज़र आ रही है, एक चारों तरफ जो इतना सारा इंतजाम किया गया है एकदम बहुत ही काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ नवयुवक जुड़ चुके हैं कई सारे और एक सबसे बड़ी बात कही इन्होंने कि स्वच्छता का जो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है आज प्रयागराज में, और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पंछियों का मेला से लगा हुआ है हमारे सिर के ऊपर, हमारे चारों तरफ ढेर सारे पक्षी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसे हर तरीके से लें। तो अगर मैं बात कहूँ तो हम गंगा में नौका विहार कर रहे हैं और हमारे चारों ओर पक्षी ढेर सारे पक्षी हैं, और जो मुद्दे की बात अभी कही गई कि यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है, और स्वच्छता के विशेष ध्यान पे अगर मैं बात करूँ तो हम चर्चा को अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम शशि कुमार है और मैं यहाँ शासन और प्रशासन दोनों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से शहर का आधुनिकीकरण हुआ है और देखकर और अच्छा लगा, भारतवर्ष देखिए जो रहा है वो प्राचीन समय से ही प्रकृति का आलिंगन करता रहा है और प्रयाग तो वो धरती है जहाँ शंकराचार्य को भी अपना शास्त्रार्थ सिद्ध करने के लिए 14 वर्ष के कुमारिल से आकर के यहाँ शास्त्रार्थ करना पड़ा, उनसे मुकाबला करना पड़ा, तो ये शुरू से ही ज्ञान और शुद्धि और बुद्धि की धरती रही है और यहाँ आकर के विद्यार्थीगण भी जो अपना जीवन जीने की कला सीखते हैं, नौकरी तो उन्हें मिलती है, साथ में प्रयाग क्या देता है, प्रयाग दिखाता जीवन जीना कैसा है, तो उसका जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ वो देख के अच्छा लगा और उसमें जो भारतीय संस्कृति की झलक है, आप स्टेशन जाइए, आप जगह जगह जाइए, जिस तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया चित्रों के कलाकृतियों के रूप में, वो अपने में एक तरह से दर्शनीय है और अद्भुत है, काबिले तारीफ है। सरकार ने इस तरफ सोचा है, हमें खुशी हुई है और हमारे देश में पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है और हर मामले से अगर देखा जाए मैं तो क्या तारीफ के लायक शब्द नहीं है, बहुत ही अद्भुत काम किया इतने कम समय में, जो युद्ध स्तर पर जो जिस तरह से शासन प्रशासन दोनों ने काम किया है, जिस तरह से अधिकारीगणों ने दिन रात एक मेहनत करके योजना बनाई है और एक योजना के तहत जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ है वो देख के बड़ा अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद शासन और प्रशासन को और मैं बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं कि शासन और प्रशासनिक तौर पर जिस प्रकार से व्यवस्था और प्रबंधन किए गए हैं इससे जनता काफ़ी खुश है, और अगर हम बात करें तो स्वच्छता के ऊपर किन किन सुविधाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है? जैसे खुले स्थान पर शौच ना कोई जा पाए उसके लिए जो टॉयलेट बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए जो अलग टॉयलेट बनाए हैं, जो भारतीय और वेस्टर्न दोनों सभ्यताओं के जो जहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं वो अपने आप में एक काबिले तारीफ हैं। इससे कहीं ना कहीं संकेत दिया गया, कई सारी योजनाओं को साधने की भी कोशिश की गई है और यहाँ पर देखा गया है कि जो लगातार सफाई कर्मी लगे हुए हैं, कोई शैम्पू वगैरह का रैपर पड़ा होता है या बिस्किट का कोई, वो लगातार उठा रहे हैं। जो कार्य इस बार देखने को मिला वो जमीनी स्तर पे मिला, वो कोई फाइल वर्क नहीं होकर के जमीनी स्तर पे आम आदमी के जन साधारण तक पहुंच तक जो सुविधाएं होती हैं वो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब कहाँ से हैं? हम बरेली से हैं। तो आपको क्या लगता है, आप बरेली से हैं तो चलिए बरेली की एक चर्चा करते हैं, बरेली की सबसे कोई एक खास चीज बताइए। बरेली में झुमका गिरा था पहला तो, बरेली की बर्फी आई। अच्छा, बरेली की फिर लास्ट में बरेली की बर्फी आई है, अभी आपने सब लोगों ने देखा ही होगा। बरेली का जो प्रसिद्ध है वो हमारे यहाँ का काजल प्रसिद्ध है, बरेली का माझा प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ जरी का काम भी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कि बरेली की कई ऐसी खासियत है जो बरेली को प्रसिद्ध बनाती है और ये सारे के सारे मेहमान बरेली से आइए हमारे साथ। बिल्कुल हम सुनना, बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। शानदार। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट पाए यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।